बांग्लादेश में आते ही छा गए ईशान। 1185 दिन का इंतजार भी किंग कोहली ने किया समाप्त। तीसरे वनडे में ध्वस्त हुए बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ईशान का तूफान और विराट के कमाल से इस बांग्लादेश दौरे पर भारत को मिली है पहली जीत, जिसके चलते सम्मान की लड़ाई जीत कर क्लीन स्वीप का दाग लगने से भारत ने खुद को बचा लिया है। तो आखिर किस तरह सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में दिखी टीम इंडिया की असली ताकत, कैसे ईशान और विराट के प्रहार से उड़ी बांग्लादेश की हवा, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। बांग्लादेश में सीरीज हार की बदनामी से बचने और इस दौर पर अपना जीत का खाता खोलने के इरादे से टीम इंडिया ढाका से चटगांव पहुंची। भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोट के चलते मुकाबले से बाहर हुए और केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली, लेकिन लगातार तीसरे मुकाबले में बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास टॉस पर बॉस बने और इस बार बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, खराब फॉर्म में चल रहे गब्बर का बल्ला यहां भी खामोश ही रहा। पूरे दौरे पर भारतीय टीम के नाक में दम कर रखने वाले मेहंदी हसन मिराज ने ही शिखर को केवल 3 के नीचे स्कोर पर बाहर भेजकर भारत को शुरुआती झटका दिया। 15 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लगता है, तब शायद ही बांग्लादेशियों ने ये सोचा होगा कि यहां से उनका क्या हश्र होने जा रहा है। 3 नंबर पर आए विराट कोहली का शुरुआत में ही बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने एक लड्डू सा कैच टपका दिया, जिसके बाद कोहली ने वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं मिले हुए मौके पर चौका कैसे लगाया जाता है, इसका नमूना चटगांव में ईशान किशन ने पेश किया है। यहां से जो कुटाई बांग्लादेश के गेंदबाजों की शुरू हुई, फिर अगले 30 ओवर तक ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। एक एंड से ईशान सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे तो दूसरे छोर से कोहली अपने विराट स्वरूप में नजर आ रहे थे। मेजबानों के पास इन दोनों की मार का कोई जवाब नहीं था। नजारा ऐसा बन गया था जैसे ईशान और विराट की जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों के साथ खेल नहीं खिलवाड़ कर रही हो। देखते ही देखते ईशान किशन ने अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोका तो उधर विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम इंडिया की गाड़ी राजधानी की स्पीड से भी तेज दौड़ती नजर आई। लेकिन ईशान सिर्फ शतक से ही कहां संतुष्ट रहने वाले थे, इस खिलाड़ी ने अगले 18 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया और यहां से और भी तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल दी जिसने कई बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। 35वें ओवर में इस खिलाड़ी ने 126 गेंदों में ही दोहरा शतक ठोका और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ही दोहरा शतक लगाने का करिश्मा भी इस शानदार खिलाड़ी ने कर दिखाया है। वो सचिन, रोहित और सहवाग के बाद भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन चौथे बल्लेबाज भी बन गए। बाएं हाथ के पॉकेट साइज डायनेमो ने इस मुकाबले में 131 गेंदों में 24 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के की मदद से 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेले। इसके अलावा विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन ने रिकॉर्ड 291 रनों की साझेदारी कर भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। ईशान के पराक्रम से बांग्लादेश ने भी अभी निजात पाया ही था कि इसके बाद अचानक से विराट ने गियर बदला और एंकर मोड से स्विच करते हुए किंग कोहली ने अपना रौद्र रूप अपना लिया और इसके बाद गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि बांग्लादेशी विराट के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। और फिर आया इस मुकाबले में वो लम्हा जिसका तमाम विराट कोहली के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। 39वें ओवर में इबादत हुसैन की चौथी गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर किंग कोहली ने आखिरकार लगभग 1185 दिनों के इंतजार को खत्म किया और वनडे क्रिकेट में 44वां शतक जड़ा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 72 शतकों का रिकॉर्ड बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड रिकी पोंटिंग को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि इस दौरान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल सस्ते में आउट हुए, लेकिन विराट कोहली ने 91 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्के की मदद से शानदार 113 रन बनाए। इसके बाद अंतिम कुछ ओवरों में वाशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ 27 गेंदों में 37 और अक्षर पटेल ने 17 गेंदों में 20 रन ठोके, जिसकी बदौलत भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 409 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। बांग्लादेश के लिए शाकिब, इबादत और वापसी पर तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेट झटके, जबकि मेहंदी और मुस्तफिजुर को 1-1 विकेट मिला। 410 का पहाड़ चढ़ने के लिए बांग्लादेश को पहली गेंद से ही कड़े प्रहार की दरकार थी। पहले 4 ओवरों में अनामुल और कप्तान लिटन दास ने ताबड़तोड़ शुरुआत करने का प्रयास किया, लेकिन अक्षर पटेल ने आते ही पहले ओवर में अनामुल को चलता कर भारत को पहली कामयाबी दिलाई और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने विपक्षी कप्तान को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की जीत बहुत पहले ही सुनिश्चित कर दी। हालांकि यहां से शाकिब ने भरसक प्रयास किया, लेकिन इतने विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ बड़ा स्कोर खड़ा करने की चुनौती बांग्लादेश के सामने थी, उस चुनौती को पार करने के चक्कर में बांग्लादेश की पारी धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अनामुल को बाहर भेजने के बाद अक्षर ने सीधे गेंद पर मुशफिकुर के स्टंप बिखेर दिए, तो वहीं उमरान मलिक
खेलने की रफ्तार ने यासिर अली को हैरान कर दिया। और फिर इस दौरे पर पहला मुकाबला खेल रहे कुलदीप यादव ने जैसे ही शाकिब की पारी 43 पर समेटा, मेजबानों की रही सही उम्मीद भी वहीं खत्म हो गई। जहां सब आकर विकेट पर अपने हाथ साफ कर रहे थे तो वहां वाशिंगटन सुंदर कैसे पीछे रह जाते। वाशी ने भी महमूदुल्लाह को चलता कर विकेट कॉलम में अपना नाम भी दर्ज करवाया। 143 पर ही बांग्लादेश के 6 विकेट गिरने के बाद मुकाबले में औपचारिकता बाकी रह गई थी। यहां से लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने आकर पहले आफिफ हुसैन को और इसके बाद इस पूरे दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के गले का नासूर बन चुके मेहदी हसन मिराज को आखिरकार पहली मर्तबा टीम इंडिया पवेलियन भेजने में कामयाब हुई। लॉर्ड ठाकुर ने ही मेहंदी को भी बाहर का रास्ता दिखाया और फिर इबादत के रूप में पलक झपकते अपनी तीसरी कामयाबी भी हासिल कर ली। हालांकि 149 पर 9 आउट करने के बाद उस आखिरी बार के लिए भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। तस्कीन और मुस्तफिजुर ने आखिर में कुछ बड़े शॉट लगाकर बल्लेबाजी का मजा जरूर उठाया, लेकिन ये बस हार को थोड़ी देर के लिए टालने भर की बात थी। अंततः उमरान मलिक ने आकर मुस्तफिजुर रहमान के डंडे उड़ाए और ताबूत में आखिरी कील भी ठोका, जिसके चलते टीम इंडिया ने बांग्लादेश की पारी को 182 रनों पर समेट कर मुकाबले को एक तरफा अंदाज में 227 रनों के अंतर से अपने नाम कर लिया और बांग्लादेश में क्लीन स्वीप के दाग से भी खुद को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे, हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।